पंडित श्रीधर, श्रीधर पंडित, श्रीधर आइए आइए भैरवनाथ जी। हाँ हम आ गए हैं। तुमने भंडारा रखा परंतु भोजन का प्रबंध तो कहीं नजर नहीं आता। और कहाँ है वो कन्या जिसके विश्वास पर तुमने हमें और सारे गांव को न्योता दिया है? वो कन्या वन्या तो नहीं आएगी प्रभु। ऐसा ना कहिए गोरखनाथ जी, वो बस आती ही होंगी। अरे हमारे सामने क्या आएगी वो? आप विराजी भैरवनाथ जी, आप विराजी। चलिए जय बाबा भैरवनाथ। आइए भैरवनाथ जी, विराजी आइए, विराजी आइए, पधारिए विराजी। महाराज, ये हम क्या देख रहे हैं? हम छोटे हो गए हैं या फिर ये जगह बड़ी हो गई है? लगता है ये पंडित हमें चमत्कार दिखाना चाहता है। हेमा, हमारी लाज अब तेरे हाथों में है। गांव वालों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है, हम भंडारा कैसे करेंगे? माँ, कैसे भी करके उस कन्या को इधर भेज दो, कैसे भी करके उस कन्या को भेज दो। उस कन्या को भेजो माँ, उस कन्या को भेजो। हमारी समस्या का समाधान करो, हमारी समस्या का समाधान करो, हमारी रक्षा करो माँ। भरोसा नहीं था, माँ पर विश्वास नहीं था? देखो सब तैयारियां हो गई हैं, देखो। चलिए स्वामी, ये तो चमत्कार हो गया। माँ ने हमारी लाज रखी, चलिए भंडारा आरंभ करें। प्रसाद लीजिए, आप भी लीजिए।
आप भी लीजिए। ये लीजिए। प्रेम से बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। मिलके बोलो जय माता दी। भोजन आरंभ करो सज्जनों। जय माता दी। कन्या, तुम सबको अपनी इच्छा का भोजन दे रही हो, क्या हमें हमारी इच्छा का भोजन नहीं दोगी? हम अघोरी साधु हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, हमें वही ला कर दो। किसी निर्दोष प्राणी को मारकर उसके मांस से भूख मिटाना अनर्थ है, पाप है। मैं ये पाप कभी नहीं होने दूंगी। ए लड़की, हमसे विवाद मत कर, हमारी आज्ञा का पालन कर। ये एक ब्राह्मण के घर का भंडारा है, जो कुछ वैष्णो माँ के भंडारे में मिलता है वही मिलेगा। तो क्या धर्म के लिए तूने ये भंडारा किया है? हाँ, वही मिलेगा। मेरा तो काम ही है धर्म का प्रचार करना और लोगों में भक्ति जगाना। लड़की, सच सच बता, कौन है तू? कौन है तू? बोल बोल, कौन है तू? बोल, बता कौन है तू? बोल। अलख निरंजन। प्रभु, प्रभु, प्रभु भी गायब हो गए, कन्या भी गायब होगी, मेरा क्या होगा? माँ, 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 माँ,